हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नेहा सिंह आज आप लोगों का माँ शारदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुइली गोदाम जौनपुर की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों को टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल, पोसेसिव, रिफ्लेक्सिव, इम्पैथिक, डेमोन्स्ट्रेटिव और उसके बाद इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में बता दिया है। आज मैं आप लोगों को रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में बताऊँगी, इसकी डिफिनीशन क्या होती है। ईच अदर एंड वन अदर, ईच अदर एंड वन अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए इसका हिंदी क्या होता है, परस्पर बोधक सर्वनाम। क्या होता है? परस्पर बोधक सर्वनाम। ईच अदर और वन अदर को ईच अदर और वन अदर को क्या कहते हैं? परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। ईच अदर और वन अदर क्या करते हैं? एक दूसरे को इसका इसको क्या करते हैं? परस्पर बोधक सर्वनाम करते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, दे लव्ड ईच अदर या वन अनदर, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। देखिए इसमें क्या है, दे मीन्स होता है वे, वे में हमें पता नहीं चला कितने लोग, दो लोग भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए इसको समझाने के लिए आप लोगों को दूसरा दिया गया है कि राज एंड रिया लव्ड ईच अदर। अगर दो लोगों की बात होती, अगर दो लोगों की बात होती, नाम दिया गया, अगर दो लोगों की बात होती तो वहाँ हमेशा प्रयोग होता है ईच अदर का। किसका प्रयोग होता है? ईच अदर का। तो राज एंड रिया लव ईच अदर, इसमें क्या है, राज और रिया, रिया एक दूसरे को ईच अदर, अगर दो लोगों की बात होगी तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे। और दूसरा है करण विनय, करण कॉमा विनय एंड रिया रिस्पेक्ट वन अनदर। यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन लोग हैं, करण विनय और रिया, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है? वन अनदर का। देखिए अगर दो लोग हैं तो ईच अदर का प्रयोग होगा, और अगर दो से अधिक लोग हैं तो क्या हो जाएगा? वन अनदर का प्रयोग होगा। आप लोगों को यह आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको पढ़ते रहिए और इसका नोट्स बनाते रहिए। धन्यवाद।